कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए परंपरा अनुरूप राजनांदगांव शहर के गौरी नगर में विशाल रावण की पुतले का दहन किया जाएगा, जिसको लेकर आयोजन समिति ने बैठक बुलाकर वार्ड के नागरिकों से आयोजन को सफल बनाने हेतु सुझाव मांगे। राजनांदगांव शहर के पटरी पर गौरी नगर में कौमी एकता दशहरा उत्सव समिति द्वारा स्कूल परिसर रावण दहन राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान के नेतृत्व में करने जा रहा है। इस आयोजन को बेहतर बनाने के लिए पार्षद समद खान की उपस्थिति में वार्ड के नागरिकों से सुझाव मांगे गए। आयोजन को लेकर दशहरा उत्सव समिति के संरक्षक अधिवक्ता हलीम बख्श गाजी की माने तो यहाँ मनाए जाने वाला उत्सव कौमी एकता को प्रदर्शित करता है, जो भाईचारे के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत की दिशा में काम कर रहा है। दशहरा पर्व की सभी शहरवासियों, वार्डवासियों एवं छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दशहरा पर्व में हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये रही है कि हमारे वार्ड और वार्ड के आसपास रहने वाले उन लोगों को जिन्होंने सामाजिक समरसता के लिए, विकास कार्य के लिए अपनी योगदान दिए हैं, उन सब का हम सम्मान करते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद जो बच्चे प्रतिभावान रहते हैं उनका भी सम्मान इस समिति द्वारा किया जाता है। साथ ही बच्चों के लिए खासतौर से उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो नृत्य के माध्यम से हो, चाहे गायक के माध्यम से है, उस प्रकार के भी आयोजन करते हैं, ताकि यहाँ के बच्चे आगे चल के इस वार्ड के आसपास के सारे लोग इस शहर का नाम रोशन करें। ये हम लोग की सबकी सोच है। जहाँ तक दशहरा की बात है, मेरे सीधे हाथ की ओर जो खड़े हैं जीएल देवांगन जी, ये हमारे रावण को बनाते हैं और शुरू से ही आज 18वां साल है पूरा इनके नेतृत्व में। जो रावण पुतला जो है, जो बनता है, वो इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। जहाँ तक इस समिति का सवाल है, इस समिति में सभी धर्म के लोग हैं, चाहे सिख धर्म के लोग हो, चाहे ईसाई धर्म के लोग हो, चाहे बौद्ध धर्म के लोग हो, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो, सारे लोग इस समिति में सम्मिलित हैं। और इन समिति में जो शामिल वाले लोगों का एक ही उद्देश्य है, आज पूरे देश में कौमी एकता के नाम से लोग पद यात्रा कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को समझाने की प्रयास कर रहे हैं। ये हम 18 साल पूर्व ही कर चुके हैं और ये इसका उद्देश्य यही है कि हम सब एक साथ एकजुट होकर सामाजिक समरसता को, विकास कार्य को आगे बढ़ाएं, ताकि देश में हम सब अपने राष्ट्र के नाम को रोशन कर सके। यह हमारी सबकी सोच है और इस सोच के आधार पर यह आयोजन किया जाता है। कौमी एकता दशहरा उत्सव समिति गौरी नगर, ये एक ऐसी समिति है जो कौमी एकता के रूप में दशहरा उत्सव मनाते चली आ रही है परंपरागत रूप से हर्षोल्लास के साथ। और इस वर्ष भी जो है खासियत ये है कि सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वे सभी इस उत्सव में सहभागिता करते चले आ रहे हैं।